मेरी एक न्यू फ्रेंड आई है। हेलो बोलो। इसका नाम मैरी है और मेरा नाम है माधुरी। बोलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोलो मैं कौन हूँ आपकी? बहन हूँ। बहन तो नहीं हूँ मैं, कौन हूँ बताओ? मैं तुम्हारी बहन हूँ। आपका नेम क्या है? मैरी। तो मैरी मेरी कौन है? मेरी कौन हूँ आप? मेरी कौन हूँ मैरी? बहुत ऐसे करती है, करो मैरी। कौन हूँ मैं आपकी? अच्छा एक किसी तो कर दो, ये आरव की सिस्टर है। आरव है ना श्री का दोस्त, ये उसकी कजन है ना, कजन है। तो मेरी कौन हो तुम? मैरी आप मेरे को क्या बोलते हो? मौसी कौन क्या बोलते हो बताओ? आरव मेरे को मौसी बोलता है, तुम क्या बोलती हो? झूला बोलती हो? हाँ। झूला झूलने को मैंने बता नहीं दिया, मैं कौन हूँ आपकी जल्दी बताओ। कौन हूँ मैं? ये शूज क्यों पहने आपने बताओ? ये शूज क्यों पहने? ये शूज, ये आई कार्ड क्यों पहना है? पहले बताओ आई कार्ड क्यों पहना है? मेरे बाल मेरे कपड़े कटे। अच्छा तो अभी कहाँ के लिए जा रहे हो? मैं पहाड़ी में। पार्क में? नहीं पहाड़ी। पहाड़ी में? हाँ। ये शूज पहन के कहाँ जाते हैं? झूला झूलने? लेकिन आप तो कहते मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल जा रही हो? बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन ये यहाँ आती तो वो खेलती रहती, बात ही नहीं करती है। ये बात करती हो तो कर तो नहीं रही हो अभी, इधर देख के बताओ यार। ओह माय गॉड, अभी झूला झूलेगी फिर बात करेगी। ठीक है अभी झूल लो, झूलोगी? अच्छा लग रहा है? अभी श्री आ जाएगी स्कूल से, वहाँ कराटे से। कराटे जाती है ना श्री? दीदी है ना श्री? कराटे जाती है वो। झूल लो। फिर अब कहाँ जा रही हो? झुलाओगी इस पप्पी को? श्री का पप्पी यही है? दिखाओ मेरे को, कैसे दिख रहा है दिखाओ। पसंद है आपको? लेके जाओगी अपने घर? हाँ अपने घर। गिर गई थी ना पप्पी को? कौन बिठाता है पप्पी को? निकालो आप, बैठो, बैठ जाओ आप। मैंने सोचा आज मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हम कद्दू की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो कद्दू, बहुत से लोग कद्दू में लहसुन भी डालते हैं। ज़्यादातर दिल्ली में जो कद्दू बनता है वो खट्टा मीठा बनता है, बट मैं खट्टा मीठा नहीं बनाती हूँ। मैंने पहले तेल डाल लिया सब्जी के लिए, उसमें मैं डालूँगी मेथी, छौंक जो लगाती हूँ मेथी का, और उसमें मैंने डाल दिया प्याज। प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तो उसमें फिर मैं डाल देती हूँ ये जो हमारा कटा हुआ कद्दू है, पम्पकिन जिसे लोग सीताफल बोलते हैं। और उसके बाद इसमें धनिया, धनिया नहीं भी डाल सकते बट मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, हल्दी, धनिया, हरी मिर्च मैंने डाली हुई है, तो अभी मैं लाल मिर्च अवॉइड कर रही हूँ। अदरवाइज लाल मिर्च डाल के जब ये अच्छे से पक जाए और फिर इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर। देखो सब्जी इस फॉर्म में आ जाती है जब तेल छोड़ने लग जाए, तभी अमचूर पाउडर डालना, क्योंकि अमचूर खट्टा होता है। अगर अमचूर डालें तो पहले ही सब्जी गलेगी नहीं। ये देखो सब्जी ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है, और कम लोगों को पसंद आती है पम्पकिन, बट मुझे पर्सनली पसंद है। और इसमें लास्ट में गार्निशिंग के लिए हरा धनिया मैं डाल दूँगी। आप इसे रोटी, पराठे या पूड़ी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि यूपी में लोग पूड़ी के साथ खाते हैं, बट वो खट्टी मीठी होती है। अगर इस टाइम पर आप डालना चाहो तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, और इसके साथ आप दाल बना लीजिए। ये सब्जी होगी हमारी रेडी। ये देखिए अब जो तैयारी हो रही है मेरी, जो प्याज मैंने काटा है, हरी मिर्च, टमाटर की प्यूरी बनाऊँगी, लहसुन भी मैं अब पीस के डालूँगी। तो तैयारी मेरी हो रही है राजमा, रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा बनाने की। राजमा मैंने रात भर भिगो के रख दिए थे, और उबालते टाइम मैं इसमें एक बड़ा तेज पत्ता डालूँगी, नमक मैं डाल दूँगी। जो रात में नहीं भिगोते हैं वो सोडा डालते हैं, बट मैं सोडा अवॉइड करूँगी। कुछ लोग इस टाइम पर इसमें जो पंजाबी स्टाइल में बनाना चाहते हैं वो लोग डालते हैं इसमें
जो खट्टा होता है आंवला, और मैं वो नहीं डालूंगी। मैं सिंपल ही बना रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ। तो मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ। मैं तो मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया सही मात्रा में, जीरे का तड़का लगा लिया, प्याज और कटी इसमें हरी मिर्च डाल दी है। इसको तब तक पकाएंगे धीमी आंच में जब तक ये प्याज ब्राउन ना हो जाए। और फिर इसके बाद जो कटा हुआ इसमें जिंजर है और गार्लिक है वो मैं उसका पेस्ट बना के डाल दूँगी। और टमाटो की मैं प्यूरी बना रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी गाढ़ी होती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रहती है। तो मैं जो बनाती हूँ मैं इसी स्टाइल में बनाती हूँ। कुछ लोग इसमें खट्टा डालते हैं, अमचूर या फिर जो होता है हमारा आंवला, तो मैं आंवला नहीं डाल रही हूँ। मैं इसी स्टाइल से बनाती हूँ। देखो प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो इसी टाइम पर मैं इसमें मसाला डालूँगी, क्योंकि मसाला कलर छोड़ता है। हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक। गरम मसाला मैं लास्ट में ऐड करती हूँ, क्योंकि लास्ट में फ्लेवर अच्छा रहता है। अभी सब्ज़ी ज़्यादा काली हो जाती है, तो मसाले को अगर आप चाहें तो एक बाउल में अच्छे से घोल लें, उससे भी क्या होता है कलर छोड़ती है। मैं कभी कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, तो इसलिए मेरा जो कलर होता है रेड वो पकाने में ही होता है। मसाला जब अच्छे से पक जाए तो वो कलर छोड़ देता है ऑटोमेटिक, जो लाल मिर्ची होती है वो रेड हो जाती है। इसी टाइम पे मैंने इसमें जो हमारी टमाटो प्यूरी थी वो डाल दी है। अब ये तब तक पकेगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये देखो इसमें हल्का सा पानी भी डाल दिया था मैंने। अब मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक ये तेल ना छोड़े। उसके बाद ही मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमारे उबले हुए राजमा हैं। राजमा को सब पसंद करते हैं, बट ज़्यादातर पंजाबी लोगों की ये डिश है, राजमा उनका फेवरेट है। तो उनके स्टाइल में बनाने में इसमें वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं खट्टा डालते हैं, तो मैं हल्का सा इसमें अमचूर पाउडर डाल दूंगी। लास्ट में पेस्ट था वो इस फॉर्म में आ गया, टमाटर और जो प्याज है। अब मैं जो हमारा उबला हुआ है राजमा मैं उसको डाल देती हूँ। ये देखिए राजमा मैंने डाल दिया है। कुछ लोगों को ग्रेवी वाली राजमा ज़्यादा पसंद होती है और किसी को ग्रेवी कम पसंद होती है, तो इस टाइम पर आप देख लिए आपको कैसा पसंद है। तो मैं इसमें थोड़ी सी पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि इस टाइम पर ही हल्की सी उबल और जाएगी। और लास्ट में मैं इसमें जो मैंने बोला था मैं डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला सही मात्रा में डाल दी, क्योंकि जब तक राजमा और छोले में फ्लेवर नहीं आता है ना तो वो अच्छी लगती ही नहीं है। ये देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया खूब सारा धनिया पत्ती। अब आप इसको चाहे राजमा चावल खाए चाहे रोटी के साथ खाए। ये बन गई हमारी राजमा, रेडी होगी पंजाबी स्टाइल। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी पार्ट पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आप मुझे भी बताना कि आप किस तरीके से बनाते हैं। और लास्ट में मैं इसमें हल्का सा डाल दूँगी अमचूर पाउडर। ये देखो राजमा हो गया हमारा रेडी। तो हम जाके इवनिंग वॉक में थे, नाइट वॉक, सॉरी हम जा रहे हैं नाइट वॉक में। चलते चलते हम फिर पहुंच गए कुल्फी वाले के पास, हाथ मुंह धो धा के। खाना वाना हमने खा लिया। फिर श्री बेचारे को फीवर है, लेकिन ये फिर भी बोल रही थी मुझे भी आना है नाइट में। रोड होगी क्रॉस, मैंने आपको क्रॉस कराई है, तो धीरे धीरे चलते हो। मैं थैंक यू श्री, आपने हमें रोड क्रॉस करा दी भैया। देखो रात दिन एक जैसा माहौल दिल्ली का, वो है काला जी की आइसक्रीम कुल्फी। है ना 10:30 हो गए, 11:15 हो गए, 2-3 दिन से यही टाइम हो रहा है। हम मुंह धो के नहा सोने जा रहे थे, हम आ गए। अरे इधर बैठने के लिए आ रहा है शेख।
और हम खा रहे कुल्फी। आपको शेक पसंद है? इसने कुछ खाया नहीं है मॉर्निंग, इन्हें मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं है, है ना। ये हम नाइट में खाएंगे। भी देखो भोलू मेरा, वैसे तो ये भोली यार, जो लड़ाई नहीं करती है। तो स्ट्रॉबेरी वाला मिल गया इसको, तो ले लो। ओह माय गॉड, कौन टूटी फूटी भी खाती है? नहीं खाती ऊपर के, क्यों? जूठा भी नहीं खाती है, बस पापा का खाती है ना। मुझे आ रहे सॉरी, मुझे बोल रही टेस्ट करो। हमें रूम में पहुंचते पहुंचते 11:30 हो जाते हैं। हमारी वॉच में देखो टाइम हो गए 11:30। हम श्री और हम सोचेंगे सोने के बारे में। लायन की स्टोरी सुनाना। लायन की स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।